हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है चिकन करी। चिकन करी आप लोग को सभी को बहुत पसंद है, तो चलिए मैं आपको चिकन करी की रेसिपी बताती हूँ। लगभग मैंने 1 किलो यहाँ पे चिकन लिया है और चिकन में हमने इसमें नमक, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट प्लस 2-3 चम्मच इसमें हमने दही डाला। अब इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है और इसे पूरी तरीके से हाथ से मिला के पूरा चिकन में ये दही और मसाला पूरी तरीके से मिल जाना चाहिए, इसलिए इसे हाथ से मैंने मिक्स किया है। इसके बाद इसे ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद हमने यहाँ पे खड़ा गरम मसाला लिया है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, करण फूल और यहाँ पर हमने लिया है खसखस। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से बहुत अच्छे मसाले में एक अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छे बनता है मसाला। और इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, साबुत धनिया को भी हल्का सा सेक लिया है और फिर हमने थोड़ा सा खसखस, उसे भी हमने हल्का सा रोस्ट किया है और इन सभी को हमने मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लिया है। अब हमने कढ़ाई ली है, देसी तरीके से बन रही है इसलिए मैंने यहाँ पे पीतल की कढ़ाई ली है। अब इसमें हमने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसमें ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने दिया है। उसके बाद इसमें हमने तेज़पत्ता डाला है, तेज़पत्ता डालने के बाद इसमें हमने प्याज डाली है जो कि हमने बहुत बारीक काटी हुई थी, इसे मैंने पीसा नहीं है, इसे बारीक कट किया है। उसके बाद इसे लाल मिर्च डाला, जैसे ही हमारी प्याज हो गई उसमें लाल मिर्च, और लाल मिर्च के बाद हमने टमाटर की प्यूरी डाली, फिर हल्दी डाला और फिर जो मसाला हमने पीसा था खड़ा गरम मसाला उसको डाल दिया। इसी तरीके से उसे तेल में हमने भूंजा, उसको अच्छी तरीके से भूंजते रहना है कंटिन्यूशन में और उसके थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसे काफ़ी देर तक भूंजना है। उसके बाद हमने इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी। जब मसाले अच्छे से भून चुके उसके बाद अब इसमें हमने चिकन, जितना भी हमारा चिकन था वो चिकन हमने पूरे मसालों में मिक्स कर दिया है और इसके बाद इसे उस तरह से चलाते रहना है जब तक कि पूरा मसाला चिकन में अच्छी तरीके से मैश ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। हमें बहुत अच्छे से इसे भूनते रहना है, कंटिन्यूशन भूनना है, बिल्कुल से रुकना नहीं है, नीचे से लग जाएगा कढ़ाई में, इसे चलाते रहना है और मसाले में पूरी तरीके से। अब आप इस स्टेज में चाहें तो आप इसी स्टेज में आप इसे एक सीटी लगा के रेडी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें पानी डाला है और उसके बाद पानी डालने के बाद हमने इस पर थोड़ी देर इसे हमने ढक दिया है और ढकने के बाद आप इसे इसी ऐसे ही अगर पकाना चाहते हैं तो आप इसे लगभग 20 से 25 मिनट तक पकाएं तभी ये पक पाएगा, और नहीं तो आप इसे कुकर में ट्रांसफ़र करके एक सीटी ले सकते हैं। इसमें सीटी में बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगाना, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएगा। और मैंने यहाँ पे इसमें एक सीटी ही लगाई है, 1 से 2 सीटी लगाई है मतलब, और फिर इसे अपने आप से ठंडा होने दिया है। अब ये हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, बढ़िया, और इसकी लाजवाब खुशबू भी है और इसे हमने